इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। परवेज खान हैं एमपी से, खांडवा एमपी। इन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था कि बच्चे गुजर रहे थे और अब नमाज़ मुकम्मल करूं या तोड़ दूं। अगर गलती से बड़े हजरात भी मस्जिद में नमाजी के सामने गुजर जाएं तो नमाजी में कोई ख़राबी आएगी नहीं। पहले इसका मैं जवाब दे चुका हूं कि नमाजी के आगे से किसी के गुज़रने से जो है उसकी नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है, नमाजी को अपने आगे कोई सुतरा के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो सुतरा होना चाहिए यानी कोई आड़ होनी चाहिए, उसका मैंने जिक्र किया था कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है। अगर बिलफर्ज किसी के पास वो चीज़ भी मैसर नहीं होती, जैसे कि उसमें बताया था कि बाज़ लोग कपड़ा या रुमाल रख लेते हैं जो कि काफ़ी नहीं है, तो वो उस सूरत में काफ़ी नहीं होता कि जहाँ पर दूसरे सामान घर में मौजूद हो, और उस सूरत में काफ़ी होगा कि जहाँ निकलने बढ़ने वाले लोग हों, किसी ऐसे मैदान में बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो कि वहाँ निकलने बढ़ने वाले लोग भी हों, लेकिन जो है उसके पास कपड़े के अलावा कोई दूसरी चीज़ सुतरे के लिए नहीं है कि जिसको वो नसब कर सके यानी उसको गाड़ सके, ज़मीन के अंदर खड़ा कर सके, तो इस सूरत में जो है वो कपड़ा भी रख सकते हैं। तो आप ये याद रखना कि जहाँ जिस वीडियो के अंदर वो सुतरे के ताल्लुक से बताया था कि कोई चीज़ जो है ना छोटी हो, बहुत ज़्यादा छोटी वो नहीं रख सकते, बाज़ लोग छोटी मोटी चीज़ रख देते हैं, तो वो उसी सूरत में नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ घर के अंदर दूसरे बड़ी चीज़ या और दूसरी चीज़ हो। नमाजी के आगे निकलने से ना नमाज़ के अंदर तो ख़राबी नहीं आती, लेकिन ये कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं अगर उनके आगे से कोई शख्स निकल रहा है तो ये लोग नमाजी ना नमाज़ पढ़ने वाला उसको रोक सकता है। इसका तरीका ये होता है, या तो वो बंदा तीन तरीके से उसको रोक सकता है कि अगर कोई नमाज़ की नियत बांधे हुए और सामने वाला बेख्याली में जो है ना निकल रहा है, उसको मालूम नहीं कि सामने वाला नमाज़ पढ़ रहा है, उसका ध्यान उस तरफ और ये बंदा निकल रहा है, तो या तो ये सुबहान अल्लाह यानी जिक्र कर दे अल्लाह ताला के कि इसको सामने वाले की तवज्जो हो जाए इस तरफ के भाई ये नमाज़ पढ़ रहा है, तो इस तरह भी उसको रोक सकते हैं नमाजी को। ऐसा नहीं है कि आप खाली नमाज़ पढ़ते रहें, सामने वाला निकल जाए, आप चाहें तो तवज्जो दिला दें। दूसरा तरीका ये है कि जो आप किरात कर रहे हैं ना कुरान पाक, उसको थोड़ा बुलंद आवाज़ में पढ़ें ताकि सामने वाले की तवज्जो हो जाए। कभी ऐसा होता है जैसे आप कोई ऐसी नमाज़ पढ़ रहे हैं दिन में के बंदे ने ध्यान नहीं दिया और आप पिलर की साइड में हैं जो दूसरे आने वाले की तरफ से ना, ये पिलर जैसे आड़ हो गया तो ये आने वाले को आप दिखोगे नहीं और आप इस तरफ खड़े हुए और पता है कि बंदा क्रॉस करेगा तो आपके सामने भी आ जाएगा, तो ऐसे में जो है ना आप तवज्जो दिलाने के लिए कुरान पाक को बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं ताकि जो निकलने वाला है वो सावधान की अवस्था में हो जाए। और इसके अलावा अगर हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से भी रोक देना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने नियत बांधी और कोई शख्स सामने से निकल रहा है और जैसे ही वो करीब आया आपने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया, ये सामने से निकलने वाले को आपने हाथ से इशारा कर दिया और उसको इस तरीके से रोक भी दिया ना हाथ के इशारे से, तो भी ठीक है। लेकिन इसमें हाथ का इशारा और बुलंद आवाज़ से पढ़ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ शामिल ना हो, कोई भी इसमें से एक ऑप्शन चूज़ किया जाए, या तो बंदा बुलंद आवाज़ से कलमा बोल दे, तकबीर बोल दे, सुबहान अल्लाह, या किराअत जो है वो तेज़ आवाज़ में करे, या हाथ से रोक दें, दोनों में से कोई एक काम करे। हाँ, इसके सिवा ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई ऐसा फ़ेल कसीर करे यानी ऐसा काम के जो दिखने में बड़ा काम हो, जो नमाज़ को तोड़ देने वाला हो, तो नमाज़ तोड़ जाएगी। मसला नहीं है कि उसके पास जाके उसको रोक दे, भाई साहब रुक जाओ मैं इधर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो इस तरीके से ना करे, या ऐसा ना हो कि उसको हाथ से रोकने के बजाय उसको मारना शुरू कर दे और अपनी नमाज़ तोड़ के फिर दोबारा मार पीट के फिर नियत बांध ले और सोचे कि मैंने उसको रोक दिया। तो इतने बड़े बड़े काम ना करे कि जिससे उसकी नमाज के बाद सामने वाला नमाज जनाजा ना पढ़ा दे उसकी, तो उन कामों से बचे। बाकी छोटे मोटे काम जो है वो कि जो बताए गए हैं वो छोटे मोटे काम उसको कर सकता है कि हाथ के इशारे से और सुबहान अल्लाह वगैरह से रोक दे, और फिर भी कोई गुजर गया तो नमाज़ में ख़राबी नहीं होती। लेकिन जो लोग गुजर रहे हैं उनको तवज्जो इस मसले का ध्यान रखना चाहिए कि रोकने के क्या क्या अहकाम होते हैं, कि अगर कोई सामने से बेध्यानी में गुजरे तो उसका ध्यान दिलाने के लिए किस किस वजह तरीके से रोका जा सकता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।